अच्छा ये सुजुकी का पार्किंग है ना, देखो ना सारा सुजुकी का बाइक है। मना कर, देखो मना कर दे, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सुजुकी का, ये लगा हुआ तो सारी सुजुकी की बाइक्स है। सो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ ध्यानचंद स्टेडियम में और यहाँ पर हमारा एंट्रेंस है, देख सकते हैं यहाँ पर सारा बोर्ड्स वगैरह राउंडिंग वगैरह लगा हुआ है और यहाँ से एंट्रेंस है। जस्ट इवेंट अभी स्टार्ट ही हुआ है, बस 2 बजे ओपन था और ये भाई मुझे मिले। हेलो ब्रदर, हाय, क्या नाम है आपका? कुशल। भाई कुशल मुझे मिले अभी पार्किंग में, तो ये भी अभी अकेले हैं, मैं भी अकेले हूँ, तो हम लोग साथ में यहाँ पर अभी एंट्री कर रहे हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है यहाँ पर। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे टिकट ले लिया, जो कि मुझे बैंड मिला है और रिबन मिला है और ये पास मिला है, तो यहाँ से हम लोग सामने से यहाँ से एंट्री करने वाले, हम यहाँ से एंट्री करेंगे और ये सब चीज़ें मुझे यहाँ से मिल गया है, तो देखते हैं यार कैसा इवेंट रहने वाला है। वैसे मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है कि इन्होंने अलग अलग कैटेगरी का डाला हुआ है कि मीडिया का इधर है, टिकट का इधर है, एंड पेटीएम वालों का इधर है, अलग अलग कैटेगरी डाला हुआ है। चलो चलते हैं और देखते हैं अंदर के अंदर कैसा रहता है। सो गाइज हम लोगों ने एंट्री ले ली यार, बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन्होंने इंतज़ाम किया है। हम लोग अभी हम जा रहे हैं अंदर और जितना देखते हैं कितना अंदर है। वैसे तो बताना कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, इस शर्ट के अंदर नया लिया है मैंने अभी इवेंट के लिए। पहले यहाँ पर ओके, सो यहाँ पे सुजुकी मसूरी का एक फ़ोटो सेशन के लिए लगा हुआ कि आप यहाँ पे आके फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं यहाँ पर, जिन लोगों को अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी है। हाँ गाइस ये बनाया है लोगों ने सेल्फी के लिए, मतलब किसी आप यहाँ पे मसूरी का सेल्फी वगैरह आप पॉइंट आ सकते हैं। और यहाँ पे बाइक देख रहे हैं यार, मैं तो देख के पागल हो गया यार। कटाना भाई, सुजुकी कटाना एंड देन हायाबुसा, माय ड्रीम भाई। क्या बात है, और आई थिंक मुझे लग रहा है जीएस पाजी का स्टॉल वो वहाँ पर है। अभी नीलिमा वहाँ पे खड़ी हुई है और उनकी सुजुकी खड़ी हुई है, बट आई थिंक शायद उनकी और भी बाइक बाद में आने वाली है, लेकिन अभी जैसन पाजी यहाँ पर है नहीं और कोई भी नहीं, उनकी टीम के 2 मेंबर्स बैठे हुए हैं जो ऑफ द कैमरा रहते हैं। और यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, एक बार वहाँ भी देखेंगे। और काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं यार, यार ये यहाँ से नज़र नहीं हट रहे यार, ये है मेरा ट्रू लव। उसका सारे स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो आप ऑनलाइन सिस्टम है, पॉज भी कर दूँगा तो आप देख सकते हो। और यार क्या शाइन मार रही है यार ब्लैक के अंदर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। चलो अभी आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं अभी क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर, अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। गाइस, अरे ये तो पाजी है। हेलो पाजी, कैसे हैं आप? आपको जेसन पाजी की व्लॉग हमने बहुत देखा है पाजी, बस वो भी आ रहे हैं मिलवाते हैं उनसे। हाँ जी पाजी, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं एक बार आया था, आप गोवा में गए हुए थे वहाँ पे तो इवेंट के लिए, तब मैं आपके थोड़ा उधर आया था, थोड़ा होटल में आया था, बट मिले नहीं थे आप। ठीक है पाजी, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, आएंगे हम आपके पास काम कराने भी, आपके पास काम कराने भी आऊंगा मैं। छोटी गाड़ी का भी करते हो आप? सबका करते हैं। ठीक है भाजी, थैंक यू भाजी, नाराज नहीं करते ना? ना बिल्कुल नहीं भाजी। सो फाइनली गाइज ये है यहाँ पे जैसन पाजी का स्टॉल और पाजी अभी है यहाँ पर, बट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहे, ये है वर्ल्ड फेमस नीलिमा, माय गॉडनेस यार पहली बार देख रहा हूँ मैं, जो उसने भाई लद्दाख वदाख पता नहीं कहाँ पे किया, तो ये जैसन पाजी का यहाँ पे देखो आप, ये रहा यहाँ पर। और सच में यार कांट इमेजिन यार कि मेरे सामने नीलिमा खड़ी हुई है, नीलिमा है यार, सच में सबका प्यार यार, सच में यार बिलीव नहीं हो रहा कि मतलब कि मैं पहली बार ऐसे इवेंट में आया हूँ और मुझे बाइक का क्रेज़ है,
लेकिन अब मैं इवेंट में ना मैंने स्टार्ट किया है, राइडिंग कम्युनिटी को मैंने ज्वाइन किया है। सो सच में यार ये तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए ड्रीम मोमेंट है। और मैंने नीलिमा का ब्लू कलर ही पहना हुआ है। और कॉन्सिडेंट हुआ बट अभी आवाज़ बहुत नहीं आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाउड म्यूजिक चल रहा है। और गाइस ये वाला स्टॉल है सनी भाई का मोटोग्राफर जो कि XBXP को ऑन करते हैं। और ये उनकी ही बाइक है, उनकी हायाबुसा है, उनके ही हेलमेट्स है यहाँ पे काफ़ी सारे जो कि सामने मुझे दिख रहा है, तो उनके ही एडिशंस हैं। अभी वो भी नहीं है यहाँ पर बट यार ये भी बहुत फेमस है, मेरे को सच में बहुत पसंद है। सनी भाई भी नहीं है यहाँ पर अभी, तो सनी भाई भी आएंगे तो उनसे मिलेंगे। दोनों का स्टॉल आगे आमने सामने है, मतलब कि सनी भाई का है पीछे जैसन भाजी का है, तो दोनों से मिलना होगा ज़रूर। और मीटिंग पॉइंट मैं जानता हूँ कि शाम को ही होगा, शाम को भाजी आएंगे, अभी तो यहाँ पर है नहीं। बट बहुत मज़ा आने वाला है, पूरे इवेंट में बहुत मज़ा करने वाले हैं, बहुत फन करने वाले हैं। गाइस में घूमते घूमते अभी डार्क दिख रहा होगा क्योंकि सन मेरे पीछे, तो घूमते घूमते मैं आ गया हूँ यहाँ पे फूड स्टॉल पर। और सारे फूड स्टॉल यहीं पर हैं, जैसे कि मैं सामने है थॉटल शॉटल, अपना फेवरेट थॉटल शॉटल। और उसके बाद यहाँ से सारे स्टॉल स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए सारे आप देख सकते हैं, बरिस्ता वगैरह सब लोग, बॉम्बे बॉय, इंदली एंड डोमिनोज सब है यहाँ पे, गन शॉट सारे ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फूड्स वगैरह जब भी आप आते हैं तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इवेंट में सबको यहाँ पे फूड वगैरह अच्छे से प्रोवाइड होता है। और जो कि पता नहीं क्या यहाँ पे क्यों लाइन क्यों लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन, जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये है क्या और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन क्यों है। सो एक बार देखते हैं क्योंकि मज़ा तो बहुत आने वाला है, लेकिन अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा थोड़ा क्राउड कम है, लेकिन यहाँ पर क्राउड बढ़ता रहेगा जैसे जैसे वहाँ पे इवनिंग होता रहेगा और लोग यहाँ पर आते रहेंगे और फन उतना ही बढ़ता रहेगा। चलो देखते हैं एक बार कि यहाँ पर क्या चीज़। एनर्जी फ्री में मिल रहा था और बहुत लंबी लाइन लगी थी जैसे कि आपने देखा। बट अभी जैसे मैं भी था लाइन में बट मेरा नंबर आने से पहले वो ख़त्म हो गया। अरे यार मैं सोचा कि एनर्जी आ जाएगा इतना धूप के अंदर, बट लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। और अभी कुछ अपने को दिख नहीं रहा है यहाँ पे खाने पीने का, अभी खाना खाना नहीं क्योंकि मैं खाना घर से खा के आया हूँ एंड बस थोड़ा कुछ पीने का चाहिए मुझे, वो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे सिर्फ ये ही मिल रहा था। और अपना भी लकी ड्रॉ का नंबर डाल के आते हैं पहले बॉक्स में जाके फिल करते हैं और डाल के आते हैं। सो गाइस हमें एक कूपन दिया गया था यहाँ पर, ये वाला जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो मैंने अपनी डिटेल्स लिख करके यहाँ पे फिल कर, यहाँ पे क्रू मेंबर्स को यहाँ पे देने वाला हूँ, वो बाद में अनाउंस करने वाले हैं। सो इसको डाल देते हैं एंड सबमिट कर देते हैं। थैंक यू, चलो आई होप कुछ मिल जाए यार, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। चलो देखते हैं यहाँ पे और घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यार, क्योंकि असली मज़ा तो शाम को ही है बट अभी भी है मज़ा क्योंकि एक तो मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है भी नहीं और मेरी बार बार नज़र इस बाइक पर जा रही है यार, सुजुकी हायाबुसा। करो यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं, सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ पे कटाना खड़ी है, यहाँ पे सुजुकी खड़ी है और वहाँ पे जिसन पाजी की भूसा खड़ी, तो वहाँ भी फुल टूप सब लोग खेल के खड़े हुए। चलो देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। और गाइस ये है सुजुकी का मर्चेंडाइज जोन जो कि जैसे कि यहाँ पे वर्ड मेंशन भी है एंड देन यहाँ पे सारी राइडिंग जैकेट्स वगैरह, जो सुजुकी की टी शर्ट्स वगैरह, लाइक ये देखिए यहाँ पे सारा सुजुकी का कलेक्शन लगा हुआ है, सारा हेलमेट्स वगैरह यहाँ पे टी शर्ट लगा हुआ है। हाय हाय क्रिस्टोफर। सो यहाँ पर ये ब्रदर हैं जो मर्चेंडाइज को संभाल रहे हैं यहाँ पर एंड देन ये पूरा देख रहे हो सेटअप, देख रहे हो यार क्या आर्मर्स वगैरह है यार, बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको अंदर भी दिखाऊँ मैं यहाँ पर, सो यहाँ पर भी आपको कुछ राइडिंग जैकेट्स वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये येलो कलर बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर और इनका हेलमेट्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, देखिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है यार इसके अंदर, मतलब हाँ यार काफ़ी अच्छा है। हेलमेट देख रहे हैं आप, तो यार बहुत भीड़ है अभी तो लगता है, हाँ अभी तो लगता है अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। चलिए कोई नहीं, टेक वन लास्ट क्वेश्चन।
आपके पास एच टू भी नहीं है, अरामुज़े भी नहीं, तो आपकी क्या चॉइस होगी इंटरनेट? अभी यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पे सेशन चल रहा था जो सनी भाई थे यहाँ पे और सुजुकी के, और वहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हुए थे जो लोग सुजुकी ऑनर हैं, वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। उन्होंने बताया कि हायाबुसा के बारे में, एंड देन अभी स्टंट मैनिया हो रहा है, तो एक बार चेक करते हैं गाइस। अभी स्टार्ट हुआ है स्टंट मैनिया, बट मुझे जगह नहीं मिल रहा, देखते हैं कहाँ से। ये तीन लोग थे यार, ये भाई है अपने यहाँ पे जो स्टंट कर रहे थे, और ये नितिन भाई है कि यहाँ पे, और एक ये ब्रदर हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टंट दिखाया यार, बहुत ही बढ़िया स्टंट, बहुत ही बढ़िया स्टंट। और ये तीनों भाई जिक्सर, क्या बात है यार, क्या बात है। नितिन भाई बहुत बढ़िया कर दो यार, बहुत बढ़िया। कब से कर रहे हो भाई? मुझे करीब 8 साल। 8 साल हो गया प्रोफेशनली, मतलब 8 साल से आप बाइकिंग में हो और स्टंट राइडिंग में हो, और बाइकिंग कब से कर रहे हो? ऐसा करीब में तो हो गया 14 या 15 साल हो गया। 14 या 15 साल हो गए यार, बहुत बढ़िया, बहुत कॉन्फिडेंस है यार, इतनी छोटी जगह है, बहुत छोटा जगह है कहा ना, काफ़ी छोटा ना स्टंट के लिए, बट लेकिन भाई नितिन भाई ने बहुत बढ़िया स्टंट किया, और इनकी ये बाइक, ये वाला बाइक भाई बहुत बढ़िया यार, तीनों ही राइडर्स बहुत बढ़िया थे। और यार कुछ मतलब बाइकिंग कम्युनिटी वाले जो लोग होते हैं ना, जब उनको देखते हैं ना, तो ऐसे मज़ा आता है यार कि इतना टाइम से बाइकिंग को इन्होंने लाइक किया और बाइक में इतना इंटरेस्ट दिखाया और इतना आगे तक लेके जा रहे हैं अपनी बाइकिंग कम्युनिटी को। और अभी तो बहुत कुछ देखने को बाकी है यार, अभी मेरे को लगा थोड़ा सा भूख और प्यास, देखता हूँ यहाँ पर कुछ मिलता है तो फटाफट कुछ खाते और पीते हैं।
the lucky draw. So get your shoes tightened up, save your energy, have some Monster, and start gathering near the stage, because you guys are in for a big treat.